नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट मीटिंग में आज जो निर्णय लिए गए उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले यहाँ पे जो है वो जो विभिन्न पद जो है वो सृजित किए गए हैं, जो विभिन्न पद भरने विभिन्न विभागों में, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें से जो सबसे पहले आपके पास कैटेगरी रहेगी वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है। इसमें सिविल विंग में आपके पास जो है वो सिविल इंजीनियर जेई जूनियर इंजीनियर सिविल के 12 पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। साथ में पीएन के 30 पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सचिवालय में 28 पदों को जो है वो सफाई कर्मचारियों के भरने की जो यहाँ पे मंजूरी दी गई है, ये डेली वेज बेसिस पे भरे जाएंगे। इसके अलावा वूल फेडरेशन में आपके पास जो भेड़ों के ऊनों को काटने के लिए होते हैं उनके 10 पद जो है वो सृजित यानी भरने की मंजूरी यहां पर दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में भी 5 पोस्ट 3 डीन की और 2 जो है डायरेक्टर की भरने की यहाँ पर मंजूरी दी गई है। इसके अलावा फिशरीज डिपार्टमेंट में भी आपके पास जो है वो 20 पदों को भरने की यहाँ पर मंजूरी दी गई है। फिशरीज़ जो असिस्टेंट रहने वाले हैं, इसके अलावा 2 जो आपके पास फिशरीज ऑफिसर रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भी 7 पोस्ट जो है भरने की यहाँ पे मंजूरी दी गई है। जूनियर जो स्टेनोग्राफर है उनकी 2 पोस्ट भरने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारी सब तहसील्स हैं उनको अपग्रेड करके तहसील किया गया है। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे सौगात दी गई है वो मंडी ज़िला को दी गई है। बाकी अगर हम बात करें ज़िलों की तो वहाँ पर उतने जो है वो विकास कार्यों को यहाँ पे मंजूरी तो नहीं दी गई है, परंतु मंडी की बात करें तो जी भरकर यहाँ पर सौगातें जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा दी गई हैं। इसके अलावा बहुत सारे जल शक्ति विभाग उपमंडल है जहाँ पर जो है विभिन्न पदों को सृजित किया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो हिमाचल प्रदेश में वो उसको मंजूरी दी गई, चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके अलावा और क्या कुछ इसमें प्रावधान किए जाएंगे उस पर चर्चा की गई। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो विश्वविद्यालय मंडी में है उसके रिलेटेड जो है वो जो विधानसभा होगी उसमें बिल पारित किया जाएगा, ये भी कैबिनेट में जो मंजूरी मिली है। इसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पे जैसे एम्बुलेंस सर्विसेज है उसमें न्यू एग्रीमेंट हुआ है, त्रिपक्षीय रहेगा, सोसाइटी कंपनी और एमएफ कंपनी जो रहेगी उसके बीच में जो है यहाँ पर जो है ये एग्रीमेंट रहना है एम्बुलेंस सर्विसेज का जो न्यू एग्रीमेंट रहेगा। और इसके अलावा बहुत सारे पीएससी आपके पास प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पर जो है वो पोस्ट जो है वो की गई, और बहुत सारे पीएससी को जो है सीएससी भी यहाँ पर बनाया गया, वैक्सीनेशन पर प्रेजेंटेशन भी यहाँ पर दी गई, साथ में जो है वो चर्चा की गई, साथ में बहुत सारे इस मुद्दों पर जो है चर्चा हुई। इसके अलावा जो सबसे बड़े मुद्दे थे यहाँ पे आउटसोर्स जेबीटी और साथ में करुणामूलक, ये 3 मुद्दे जो थे, क्योंकि जेबीटी की बात करें तो जगह जगह विरोध हो रहा है। डीएलएड जो प्रशिक्षकों हैं उन्होंने भी कक्षाओं का बहिष्कार किया, साथ में बहुत सारे जेबीटी जो कर चुके हैं उन्होंने भी यहाँ पे आंदोलन आकर किया, परंतु सरकार ने जो इस पर कोई चर्चा नहीं की। हालांकि जो है यहाँ पर बयान ये आया कि जोधपुर हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, क्योंकि हिमाचल हाईकोर्ट के बिल्कुल विपरीत जोधपुर हाईकोर्ट ने यहाँ पे राजस्थान में निर्णय दिया है, तो ऐसे में सरकार ने कहा है कि जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी और जो भी जेबीटी प्रशिक्षक हैं जो भी कर चुके हैं वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और यहाँ पे जो है वो अपील कर सकते हैं। तो ऐसे में कुछ बड़ा निर्णय तो दिखाई हुआ नहीं देता है, परंतु सरकार ने कहा है कि वो पक्ष में है, बट खुलकर जो है यहाँ पर बात नहीं हुई है जेबीटी मुद्दे पर। इसके अलावा आउटसोर्स की बात करें तो आउटसोर्स पर भी किसी भी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया, ना ही कोई चर्चा हुई। इसके अलावा करुणामूलक आधार पर जो करुणामूलक आश्रित है उनको नौकरियों से संबंधित भी यहां पर किसी भी तरह का निर्णय नहीं लिया गया। तो ये कुछ निर्णय थे जो कैबिनेट में लिए गए, जिसमें सभी सौगातें जो कह सकते हैं वो ज्यादातर सौगातें मंडी जिले को दी गई, अन्य जिले जो है उन सौगातों से भी वंचित रह गए। फिलहाल के लिए यही थे कैबिनेट के डिसीजन जो इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा और भी डिसीजन थे बट वो जो है इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी उम्मीद करता हूं कि ये जो है न्यूज आपको अच्छी लगी हुई कैबिनेट के डिसीजन पे। आपका क्या कहना है कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।